हे गाइस, मैं हूं अर्शना गोयल। मैं इलाज.com पर बेबी हेल्थ एक्सपर्ट हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं जिनसे वो फ्यूचर में होने वाली बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है, ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए उनके माता पिता कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनकी देखभाल किसी तरह और अच्छी की जा सकती है इसकी हर माता पिता को सही जानकारी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टीकों के बारे में जिनका बच्चों को देना बेहद ज़रूरी होता है। पहला टीका है BCG टीका। ये टीका नवजात शिशुओं को पैदा होने के फौरन बाद लगाया जाता है। ये टीका बच्चों को TB से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला टीका है DPT टीका। ये टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से बचाने के लिए बच्चे को लगाया जाता है। डिप्थीरिया की शुरुआत गले की खराबी से होती है, ये आगे जाकर बेहद खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकता है। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी, जो फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, जिससे भी बच्चे को बेहद खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। अगला वैक्सीन है खसरे का टीका। खसरे का टीका बच्चों को लगाना बेहद ज़रूरी होता है। खसरा एक तरह का संक्रामक वायरस है, मतलब एक खतरनाक वायरस है जिसमें छोटे दाने निकल आते हैं और इसमें बच्चे को बुखार भी चढ़ जाता है। ये बच्चे को 9वें महीने में दिया जाता है। अगला टीका है हेपेटाइटिस बी का टीका। ये बच्चों को जॉन्डिस से बचाने के लिए दिया जाता है। जॉन्डिस एक भयानक बीमारी है। हेपेटाइटिस एक तरह का संक्रामक वायरस है जो लिवर को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये टीका अलग अलग समय पर 3 शेड्यूल में लगाया जाता है। अगला वैक्सीन है चिकन पॉक्स टीका। ये 2 डोसेज में दिए जाने वाला टीका है। पहला डोसेज बच्चे को 12 से 15 महीने के बीच में दिया जाता है और दूसरा डोज बच्चे को 4 से 6 साल की उम्र के बीच में दिया जाता है। अगला वैक्सीन है MMR वैक्सीन। MMR का टीका बच्चों को खसरा, जॉन्डिस और रूबेला से बचाने के लिए दिया जाता है। अगला टीका है इन्फ्लुएंजा टीका। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके लक्षण में शामिल है कपकपी, नाक बहना, सिर दर्द, शरीर में दर्द होना, उल्टी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, बच्चे को थकावट महसूस होगी, इससे कान दर्द होना और भूख की कमी इसके मुख्य कारण हैं। अगला टीका है रोटा वायरस टीका। ये टीका दस्त से बचाने के लिए बच्चे को दिया जाता है। बच्चों को ये टीका रोटा वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी दिया जाता है। लास्ट जो हमारा टीका है वो है हिप का टीका। हिप का टीका बच्चों को मस्तिष्क वरण स्रोत से बचाने के लिए दिया जाता है। ये जो टीका लगाया जाता है इसकी वजह से बच्चे को ब्रेन और उनकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये टीका 4 डोज में लगाया जाता है, पहले 2 महीनों में और दूसरा 12 महीने में लगाया जाता है। आज मैंने आपको बताया कुछ ऐसे टीके जिनका जानना हर माता पिता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये सभी टीके खतरनाक बीमारियों से आपके बच्चों को बचा सकते हैं, जिनसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने का खतरा बना रहता है। और हर माता पिता को अपने बच्चों को सही टाइम पर वैक्सीनेशन देना चाहिए। ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.ilaj.com।